लगेगी ना भाई। इस इंसान ने मुझे कल बोला कि भाई शी हल्क देख, कल वीडियो करेंगे इस पे। और भाई मेरा मन कर रहा है देखो नहीं इसको मारूं, इसको छत से गिराऊं। और मतलब भाई पूरा शो मैंने देखा, और उसके देखते देखते मतलब एंड तक आते मेरी हालत ऐसी हो गई कि बंद करो हाथ जोड़ के। मैं यार मैंने भी ये सीरीज देखी, और इसे देखकर मेरे दिमाग में बस यही आया, हम गधे। मतलब लोगों को ब्रह्मास्त्र से दिक्कत थी कि इसमें स्टोरी का एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन उसकी स्टोरी में कम से कम पोटेंशियल था। लेकिन यहाँ तो स्टोरी खोजने जाओ तो अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। भाई ब्रह्मास्त्र को भी छोड़ो, हम अपने डेली सोप्स को गाली देते हैं कि भाई ये अनुपमा 2 साल से क्या खींचा जा रहा है, लेकिन यहाँ तो हल्क अपना बेटा लेके आ गया भाई दूसरे ब्रह्मांड से। और इसी वजह से शी हल्क देखने के बाद भाई मुझे तो इंडियन डेली सोप जो है ना वो मस्त लगने लग गए हैं। कम से कम उसमें धुम ताना वाला म्यूजिक तो बचता है एंटरटेनमेंट के लिए, और वो भी अलग अलग एंगल से विजुअल्स के साथ। मतलब कम से कम वही डाल देते यार इसमें। चलो अब आप समझ तो गई होंगे कि ये वीडियो किस एंगल में जा रहा है, तो डिस्कशन तो बनता है क्योंकि शी हल्क मार्वल की अब तक की सबसे घटिया सीरीज है, और आपको आगे समझ में आ जाएगा कि हम इतने भरे बैठे क्यों हैं। तो मार्वल वालों से मेरा एक सवाल है, सवाल ये कि जिस दौर से एमसीयू गुजर रहा है उसमें इस शी हल्क को घुसाने की जरूरत थी? नहीं बिल्कुल नहीं थी यार, अगर दिखाना ही था तो किसी और सीरीज में सपोर्टिंग रोल में दिखाते ना, 5-10 मिनट के रोल में। और मतलब वहीं पे समझ आ जाता ना कि ऑडियंस को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर सोचते कि इस पे पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने। मतलब खामखा हमारे दिमाग का क्यों बोझ। चुप, बिल्कुल चुप यार। इतनी डिसअपॉइंटमेंट तो थॉर लव एंड थंडर और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख के भी नहीं हुई, क्योंकि फिल्म आपको हद से हद एक दिन या एक हफ्ते के लिए डिसअपॉइंट करती है, लेकिन वेब सीरीज का दर्द आपको हर एपिसोड के साथ, हर बीतते हफ्ते के साथ इसके खत्म होने तक झेलना पड़ता है। और हम इस उम्मीद में देखते रहते कि चलो अगले एपिसोड में स्केल अप कर देंगे, लेकिन स्केल अप के नाम पे मिलता है भाई। लेकिन इसमें भी उनकी गलती नहीं है, मतलब हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं एक तो खड़ा वाल है। एपिसोड 4 में वोंग की बंदी दिखाई, और कुछ लोग ऐसे बावले हो गए कि भाई इसकी भी सोलो सीरीज बनाओ। अरे भाई ऐसा कंटेंट देखना तो इंस्टा की रीलों पे जाके देखो ना यार। मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और जो लोग कहते हैं कि मार्वल वाले इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो ये लो मार्वल को मिल गया अपना सस्ता सब्यसाची। और शी हल्क तो छोड़ो, डेयर डेविल भी अब इसी से कपड़े बनवा रहा है। मतलब ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। डेयर डेविल भाई, मतलब डेयर डेविल के नाम पे ये पूरा शो बेचा है इन्होंने कि भाई डेयर डेविल भैया आएंगे धमाल कर देंगे। पर मेकर्स को पता था कि हम तो ऑडियंस का काट रहे हैं, तो इन्होंने लास्ट एपिसोड में 4th वॉल को ही ब्रेक करता हुआ दिखा दिया। और मार्वल वालों ने तो 4th वॉल भी गिरा दी। 4th वॉल माने एक्टर शो में कैमरा देख के सीधे ऑडियंस से बात करता है। मतलब अगर आपने ये शो देखा है तो आपको याद होगा कि शी हल्क बीच बीच में कैमरा देख के सीधे ऑडियंस से बात कर रही थी। बात करते करते लास्ट में बात यहां तक पहुंच गई कि शी हल्क को शो का क्लाइमेक्स पसंद नहीं आया। लेकिन यहां तो पूरी सीरीज नहीं पसंद आई, उसका क्या। और भाई कौन है ये लोग जो इनकी स्क्रिप्ट अप्रूव करे जा रहे हैं और इतना पैसा लगाए जा रहे हैं? चलो जो मर्जी अप्रूव कर रहा हो, हम तो नहीं कर रहे भाई। और अगर आपने भी अभी तक शी हल्क नहीं देखा है तो भाई देखना भी मत। उससे बढ़िया है 20 साल पहले आया आर्यमान देख लो, मतलब सेम प्लॉट है भाई, डिट्टो। अरे वो भी छोड़ो यार, अनकट देखो ना यार, इससे बढ़िया कंटेंट तो यही है, बहुत ज्यादा बढ़िया और मजेदार। तो हमारी तरफ से शी हल्क को मिलते हैं 5 में से -136 स्टार। तो शी हल्क को डिसलाइक करो और अनकट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो फटाफट।